सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी? आई होप अच्छे ही होंगे आप लोग। अभी टाइम हो रहा है 6:30। छः तीस पे भी आजकल अंधेरा ही होता है, तो अभी मैं डाइनो को घुमाने लाया हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि सुबह सुबह घूमता है ये 6:30-6 बजे। तो अभी भी अंधेरा ही लग रहा है, तो मैं ज़्यादा आगे तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डर रहता है मेरे वगैरह का और डाइनो और मेरे लिए। अभी इसको घुमाते हैं, उसके बाद आज कॉलेज भी जाना है। कॉलेज है मेरा 10:40 से ही है क्लास, जो हमेशा होती है। घुमा लेता हूँ इसको, फिर मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी से। मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मैंने पहनी भी हाफ ही टी शर्ट है क्योंकि। देखो कैसे खींचता है मेरे को ये सुबह सुबह, मेरे को और घुमा और घुमा, 10 मिनट से घुमाया जा रहा हूँ। अब जब घर जाने का टाइम आ रहा है तो घर चलता नहीं है, बस इसको घुमाया जाओ पूरा दिन। गाइस, जो मेरे को जुकाम हुआ था, मतलब खांसी वगैरह लगी थी, वो रात को तो इतनी ज़्यादा हुई, सोते टाइम कोई 10-10:30 बजे ना, कि मेरा बुरा ही हाल हो गया। उसके बाद वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। अभी उसमें थोड़ा आराम मिला है। आजकल डाइनो भी मेरे साथ खाना खाता है ना डाइनो, खा लो चलो। मेरे घर वाले जो है मेरे कपड़ों को प्रेस नहीं कर रहे हैं सुबह सुबह, तो मेरे को लगता है डाइनो और मुझे खुद ही करने पड़ेंगे प्रेस, है ना डाइनो? खुद ही करने पड़ेंगे प्रेस हम दोनों, है ना? मम्मी खाना खा रही है तो मम्मी प्रेस नहीं कर रही है यार, मेरे को प्रेस करने आते भी नहीं है, क्या करूं मैं, क्या करूं, मर जाऊं ये प्रेस करने के लिए। चलो देखते हैं, मैं खुद ही कर देता हूँ प्रेस, रहने दो, घर वालों पे भी कितना अगर वो बनना बोझ है ना। गाइस, फाइनली मैं चल पड़ा हूँ कॉलेज के लिए। टाइम हो गया है 9, तो डाइनो भी देख रहा है मेरे को ऊपर से वहाँ से। मैं बाइक साफ़ कर लेता हूँ कपड़े से और फिर चलते हैं यहाँ से कॉलेज के लिए। और ये मेरी नई हुडी जो मैंने आपको बताई थी, और ये शूज़। मिलते हैं फिर आपको। गाइस, मैं यहाँ पर जो हूँ वो खड़ा हुआ हूँ कपड़े के लिए, क्योंकि मेरी आंखों में जो है वो मक्खी चली गई थी, उसने मेरे को बड़ा तंग किया। जब से मैं आ रहा हूँ ऊपर से लेके, तब से बहुत ज़्यादा तंग हुआ हूँ मैं उसकी वजह से। वो निकल गई है, बट आंखों से पानी अभी चल ही रहा है। मिलते हैं आप लोगों को फिर सीधा कॉलेज। सो गाइज, मैं जो हूँ यहाँ पे कॉलेज के थोड़े से आगे जैसे आऊँ, बिकॉज अभी क्लास थी हमारी बट वो लगी नहीं। यहाँ पे अब कुरकुरे वगैरह खाते हैं, थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, रील्स, और व्यू दिखाऊँ आप लोगों को इधर का कॉलेज के साथ वाले का, कितना सेक्सी है यार यहाँ भी व्यू, और अपना तो चलो है ही है सेक्सी, इधर भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अभी से आगे तो और ज़्यादा सही व्यू है, बट गाइज मेरा रील्स बनाना जो है वो ख़त्म हो गया। अब 3 रील्स बनाई है, और ये मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ ही पढ़ता है क्लास, म्यूजिक क्लास में। अब मेरी क्लास है 11:20 पे, तेरी कब है? मेरी 12:30, और मेरी है 11:20 पे। तो अब क्लास लगानी है मैंने 11:20 में, और फिर मिलते हैं आप लोगों को। 11:10 तो हो गया इधर ही, तो मिलते हैं फिर आप लोगों को। ओके गाइस, यहाँ पे कोई बेंच नहीं है, सब खड़े हुए हैं यहाँ पे, सोच रहे हैं चटाइयां ले आते हैं यहाँ पे, नहीं बेंच ही नहीं है, फिर खड़ना कहाँ से? तो आप अटेंडेंस लेंगे सर, और उसके बाद क्लास खत्म। ये देखो यहाँ पे, प्लीज ऐसा ना करें, सब खड़े खड़े, दूसरे सब फील हो रहा है खड़े खड़े, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस कॉलेज के बारे में सब। यस सर, बेंच लगाने की क्लास में औकात नहीं, और फोन पकड़ेंगे। सही बात, राइट। सो गाइस, हम लोग जो है वो बहुत परेशान हो गए, क्लास में बेंच ही नहीं है, अब हम कहाँ से लगाएंगे क्लास, है ना? कहने मैं तेरा अक्षय। यस ब्रो, कैसा फील हो रहा है आपको खड़े खड़े? भाई मैं सोच रहा हूँ चटाइयाँ ले आते हैं। नहीं भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कुछ भी नहीं, इनकी औकात ही नहीं है भाई। गुलशन है। सो गाइस, हम लोगों की क्लास नहीं लगी है क्योंकि बेंच ही नहीं थे। अब हम जा रहे हैं बाहर। गुलशन, क्लास लगी, कैसा फील हो रहा है? क्या हुआ, क्लास नहीं लगी? कॉलेज को ही बंद कर देंगे, फिर ऐसा आएगा। अच्छा, तो हमारी क्लास खत्म, अब नेक्स्ट पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, तो चलते हैं हम बाहर फिर। गाइज़, हम लोग जो है वो ग्राउंड में बैठे हैं इस टाइम, क्योंकि हमारी क्लास नहीं लगी है। अब हमारी क्लास है 12 बजे ना, 12 बजे पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, बता दो 12 बजे है कि नहीं है? 12 बजे नहीं है गाइस, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। कितने बजे है? 12:40 पे है। हाँ, 12:40 पे है। ये बार बार पता नहीं कॉल कौन कर रहा है। 12:40 पे क्लास है, उसके बाद पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। हाँ दिख रहे हो, तो चलो फिर बैठते हैं थोड़ी देर और उसके बाद चलते हैं। गाइस, हमारी जो है वो क्लास लग नहीं रही आज, खाली बेंच। इसके बाद इंग्लिश की, अभी पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि बेंच ही खाली है। तो अभी हम ग्राउंड से आ गए हैं, अब इसके बाद शायद हम दोबारा ग्राउंड जाएंगे, आप लोगों को दिखाता हूँ जा रहे हैं कि नहीं।
सो बेंच देख सकते हो, कहाँ पे उठे होने कुशाल बेंच? आप मेरे ब्लॉग में नहीं आओ कभी, है ना? ये बंदा मेरे ब्लॉग में कभी नहीं आया, आज आ रहा है पहली बार। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करो उसके चैनल को। बस भाई थैंक यू, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, है ना? सो मैं आपको जो है इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मेरे को फॉलो करना। आज हमने रील्स बनाई है बहुत सारी, वो मैं अपलोड करूंगा ना। और इंस्टाग्राम पे भी इसको फॉलो करो, बहुत अच्छी रील्स बनाता है। आज उसने बहुत सारी रील्स बनाई है, तो उसको प्लीज देखना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज जो है वो बेंच भी यहाँ पे खाली, अब देखते हैं हमारी क्लास लगती है नहीं लगती है, नहीं लगेगी तो बताता हूँ आप लोगों को, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, सब कुछ अपडेट देता रहूँगा। हाय शिल्पा। सो गाइस सब लोग जो है वो गेड़ी मारने गए थे वो बुलेट में पीछे, और अब यहाँ पे बैठे हैं पार्किंग में ही, क्योंकि क्लास अब पता नहीं है कि नहीं है, 1 बजे है बट वो रूम ही बंद है, और चलो देखते हैं फिर क्या बनता है। और ये हमारे आशिक साहब, और ये अपने राइडर खुशाल। तो बिजी रहता है ना खुशाल, ने कौन सा लिया आजकल खुशाल भाई? हमारी तरफ भी थोड़ी कृपा करो, हम बेचारे सिंगल मार लिए अभी कोई। सो गाइस हम जो है वो अभी फ्री बैठे हैं यहाँ पे कि यार बोल लो कब आए थे ये भी लो। सभी क्लास लगी नहीं है, थोड़ी देर बाद शायद लग जाए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों को क्लास में। मुझ पा रहा है लड़कियों की तरह, बिल्कुल भी फोटो जाने के लिए। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर, वो लगा दिया बाइक वहाँ पे। किसने कर दिया बंदा आज? आजा, किसने कर दिया बंदा आपको? सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर, और अब बैठ गया हूँ मैं यहाँ पे खाना खाने, क्योंकि भूख ही बहुत ज़्यादा लग रही है, सुबह से खाया होता है। और मैं रास्ते में इतना शूट नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन में बैटरी जो है वो 80% रही है, इसलिए सो खाते हैं अब कुछ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस देखो कैसे ज़बरदस्ती आता है कमरे के अंदर। डाइनो यहाँ पे आ जा, शाबाश गुड बॉय, बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरा मुन्नू बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जा तो बैठ जा, बैठ जा 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 बैठ जा। सो गाइस मैं जो हूँ वो डाइनो को घुमाने के लिए आया हूँ बाहर। डाइनो हाय। सो मैंने इतनी गर्म टी शर्ट पहनी है, सॉरी, तो भी इतनी ठंड लग रही है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बुरा हाल हो गया ठंड से, धीरे धीरे ठंड बढ़े जा रही है। सो मैं जा रहा हूँ अब स्कूल के पास इसको घुमाने के लिए। सो गाइस मैं जो हूँ वो डाइनो को घुमाने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आया हूँ मैं, एक स्कूल है ऊपर और स्कूल से पीछे तरफ को, मतलब घर से कोई 300-400 मीटर आगे। तो ये जगह आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी शायद ब्लॉग्स में, तो मैं कभी कभी दौड़ने जाता हूँ तो यहाँ से होके पार से, यहाँ से या कभी यहाँ से भी। चल तेरे लिए कुत्ती सेट कराता हूँ आज मैं, बड़ी ऐसी आ जा। सो गाइस आप लोगों के घर में भी होता है ऐसा, मम्मी पूरा दिन कॉल में लगी रहती है, कभी मामी कभी मामा कभी मासी, पूरा दिन बस मासी मामी दीदी मम्मी जी, बस अब तो छोड़ दो फोन को, हेलो कर दे बदतमीज। ओए ओए गुड बॉय जी, गुड बॉय है मोरे, गुड बॉय है। आजा यहाँ पे आ जाओ, सो जा सो जा, बस गुड नाइट, तो गुड नाइट कर दो, और क्या बोलना है, लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर, है ना? तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सो डाइनो भी बोल रहा है सब्सक्राइब करो, ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको क्लिक करना डाइनो, है ना?
सो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में. ओके ओके ओके, बाय बाय. डायनो रैप ब्लॉग अभी बंद मत करो, पर डायनो करना पड़ेगा बंद. ओके बाय.